जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बाड़मेर की ओर से सरस दूध विक्रय की बूथ आवंटन प्रक्रिया मंगलवार को नगर परिषद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभा भवन में आयोजित हुई। आयुक्त दलीप पुनिया की अध्यक्षता में लॉटरी के जरिए सरस बूथों का आवंटन किया गया। इस दौरान आवेदनकर्ता और अधिकारी मौजूद रहे। बाड़मेर जिले में सरस डेयरी बूथ आवंटन के लिए लॉटरी प्रक्रिया मंगलवार को नगर परिषद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित हुई। नगर परिषद आयुक्त दलीप पुनिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस लॉटरी प्रक्रिया में डेयरी बूथ आवंटन समिति के पदाधिकारियों एवं आवेदनकर्ताओं में उपस्थित रहे। इस दौरान एक से अधिक आवेदन वाले स्थानों पर सरस बूथ आवंटन के लिए लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से सरस डेयरी बूथों के आवंटन को अंतिम रूप दिया गया। नगर परिषद आयुक्त दलीप पुनिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में राज्य में 5,000 नए सरस डेयरी बूथ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में बाड़मेर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड बाड़मेर द्वारा डेयरी बूथ स्थापित करने को लेकर इच्छुक आवेदकों से आवेदन मांगे गए थे। पुनिया के अनुसार बाड़मेर शहर में 19 स्थानों पर आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें एक से अधिक आवेदन वाले स्थानों पर सरस बूथ आवंटन के लिए लॉटरी प्रक्रिया के तहत बूथ आवंटन को अंतिम रूप दिया गया। गौरतलब है कि सरस डेयरी बूथ के लिए बाड़मेर शहर के 19 स्थानों को चयनित किया गया था, जिसके लिए 119 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इसमें सर्वाधिक आवेदन पुरानी सब्जी मंडी और माहुल नगर के लिए प्राप्त हुए थे। आवंटन प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी नहीं आए, ऐसे में एक से अधिक आवेदन वाले स्थानों पर लॉटरी के माध्यम से सरस डेयरी बूथों का आवंटन किया गया। इस दौरान डेयरी बूथ आवंटन समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आवेदनकर्ता मौजूद रहे।